है सोना। अपने नाम की तरह ये पूरा ग्रह और इसकी हर एक चीज सोने से बनी है। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये ग्रह। कौन रहते हैं इस ग्रह पर स्काई ड्रैगन? ग्रह सोना पर गोलिट्स रहते हैं और यहाँ के राजा का नाम है गोलियत राजा, एक बहुत ही नेक दिल राजा जो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। पर मुझे डर है। डर? कैसा डर स्काई ड्रैगन? राजा गोलियत की बेटी सोनाली ने मुझे अचानक मदद के लिए बुलावा भेजा है। बहुत घबराई हुई लग रही थी। एक खास जगह पर बुलाया है मुझे। जाने की कोशिश कर रहा था। मतलब जानबूझकर? पर क्यों? वही तो समझ में नहीं आ रहा। शायद तुम कुछ बता सको स्काई ड्रैगन। योलिस को तो मैं कई सालों से रानी अरवी की सेवा में देख रहा हूँ। वैसे तो वो रानी को अच्छी सलाह देता था, पर कभी कभी लगता था कि वो ज्ञानी कम और चालाक ज्यादा है। पर इसका उस कलूप जीव से क्या लेना देना? सिखाई लचक अब काम आएगी। आगे देखो।
में उल्टी तरफ बह रहा है। कितना सुंदर है। वाह, ये सच में कमाल है। ओ, इसको सीधा कैसे देखें? आइडिया। बाहर की दुनिया में कितनी कमाल की चीजें देखने को मिलती हैं। हाँ बच्चों, बाहर की दुनिया आम दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ कुछ भी मुमकिन है, फिर वो उल्टा बहता हुआ झोंका हो या हवा में उड़ते पर्वत। यहाँ कुछ भी मुमकिन है। क्या हम इसे खा सकते हैं? तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े इस फूल को फूंक मारना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। तुमने हमें और हमारी देवी को बचाया भीम, हम तुम्हारे आभारी हैं। कितनी शानदार है ये सामंतर दुनिया। देखो देखो, जगह जगह पर झरने, फुहारे, तालाब, वो भी इतने रंग बिरंगे। जरा ध्यान से देखो बच्चों, वो कोई झरने, फुहारे या तालाब नहीं है, बल्कि तरह तरह के फूल हैं। फूल और जरा इन्हें छू कर तो देखो, हर एक फूल के रस का अलग स्वाद मिलेगा। खरीदने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबके लिए बस फूलों का रस ही बहुत है। और वहाँ तो देखो, हमारी पृथ्वी पर टापू पानी में होता है, पर यहाँ हवा में टापू लटक रहे हैं। नाच गाने से इनका दिल बहलाते हैं।